ही उन्हें घर भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। सर एक आखिरी सवाल है, बीजेपी का कहना है उन्होंने पहले और दूसरी लिस्ट जो जारी करी है उसमें 68% जो है उसमें ओबीसी दलित और महिलाओं को उन्होंने दिया है, 68% एक बड़ा प्रपोर्शन दिया है उन्होंने। पांच साल उन्होंने इन्हीं वर्गों को धोखा दिया। आज उत्तर प्रदेश असुरक्षित महिलाओं की सूची में सबसे आगे एनसीआरबी के आंकड़ों में, न नौकरी मिली न रोजगार मिला, और उत्तर प्रदेश के चाहे वो दलित हों पिछड़े हों, और यहाँ देखा है नौजवान अगर हक और सम्मान मांगने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके भेजा उन्हें। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी, मैंने कहा कि मैं दो सीटें दे पाऊंगा, एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी, इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज़ है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है, ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं।